ଆସିବ तो गाइज आज डेट है 26 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं एग्जैक्ट। सो गाइज फाइनली इतने टाइम बाद हम लोग साथ में राइड करने वाले, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ राइड करने का मजा ही कुछ और रहता है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के राइड के लिए। एक कितनी महीने नंतर राइड करते अपन? सो आफ्टर 8 मंथ हम लोग राइड करने वाले हैं। लास्ट हम लोग ने शनि सिंगनापुर राइड की थी, उसकी भी वीडियो है पर वो व्लॉग नहीं था, सिर्फ एक रॉ वीडियो थी। तो 8 महीनों के बाद हम लोग फाइनली राइड करने वाले हैं एक साथ। सो ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और सिर्फ हम तीनों नहीं राइड करने वाले, हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है। सो उसके बारे में मैं कल बताता हूँ कि कौन कौन साथ में है। सो वो हम लोग को कहाँ मिलने वाले हैं वो सब अपडेट मैं बाद में करता हूँ। तो एज़ यूजुअल हर राइड में जैसे करते कि एक दिन पहले जाके हम लोग पेट्रोल फिल करते, तो तीनों भी हम लोग आए थे। सो यहाँ पे मागाटाने में हम लोग ने पेट्रोल फिल किया। सो गाइस टोटल 750 का पेट्रोल भरा है और टैंक ऑलमोस्ट फुल है, ऑलमोस्ट ऊपर तक भर गए। तू पन गिरी से डाला 750 ना? सो अमोल ने भी 750 का ही डाला है और विकास भी सेम 750 फुल टैंक रेडी टू गो। चला हाँ, गणपति बप्पा मोरिया 5:03 हो रहे हैं अभी एग्जैक्ट। सो यू आर ऑल सेट, अभी टाइम एग्जैक्ट हो रहा है 5:15 हो रहा है। बंजीगढ़ से सबके बैग्स पीछे माउंट कर दिए तीनों की भी, सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा, टाइट है ना? ठीक है। सो हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल्पेश रानी ब्लॉग्स। सो अभी जो है 5:15 हो रहे हैं और हम लोग दहिसर से निकल चुके हैं। सो गाइस आई जस्ट रियलाइज कि मैं बताना ही भूल गया कि आज की डेस्टिनेशन क्या है। आज की डेस्टिनेशन है भंडारदरा, जो कि आई थिंक अहमदनगर जिला में गिरता है, बट नासिक के ऊपर से नासिक रोड से इगतपुरी से जाना पड़ता है वहाँ से। अमोल अपनी 220 राइड कर रहा है और विकास अपनी एक्सट्रीम राइड कर रहा है। एक्चुअली हम लोग को जो ग्रुप मिलने वाला है जिसकी मैंने कल बात की थी, वो मुलुंड में रहते हैं सब लोग। थाने से नासिक एग्जिट करते हैं, वो जो टर्न रहता है उसका कुछ तो नाका करके नाम है उसका। सो वहाँ हम लोग को मीटिंग पॉइंट है। टोटल वहाँ पे 10 जन रहेंगे और हम तीनों रहेंगे, अमोल और विकास। क्लाइमेट जो है फिलहाल बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो चुका है, प्लेजेंट नहीं कह सकते, हल्की हल्की ठंडी भी लग रही है, एग्जैक्ट डिग्री मैं बता नहीं सकता अभी क्या। ये प्लान के बारे में बात करें तो ये प्लान एकदम इमीडिएट बना। मेरा जो मतलब मुलुंड में मेरा जो भाई रहता है, मेरे मॉम के साइड का ब्रदर है, सो फ्राइडे ही कॉल्ड मी और बोला कि ब्रो संडे को भंडारदरा ऑन है। ते लोकम आगे दमे तो करता ना हमें यानी हो येतं रीच कर ना। सो गाइस राइड जो है फाइनली स्टार्ट हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 6:45 हो रहे हैं। ब्रीफिंग बताया कि ये जो रोड है इस पे 40-45 पे ही चलने वाले हम लोग। तो ग्रुप बड़ा होने की वजह से और कंटेनर जो रोड पे ज़्यादा होने से और 2 लेन रोड है तो इसके वजह से इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 40-45 पे ही चलेंगे सब लोग आराम से। सो एक ही लाइनअप में सब गाड़ियाँ चलेंगी और हेडलाइट्स ऑन रखनी है तो अपने को
पीछे वाली बाइक जो है अपनी है इसका पता चलेगा। हाई एंड बाइकर कंपेयर टू चारोटी रोड यहाँ पे कम है। ओहो हो, हाई एंड बाइकर की बात की और राइट साइड में वर्सेस 650। सो सन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एकदम नदी के ऊपर, एज यू कैन सी पूरा रिफ्लेक्शन उसका दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो ये जो मोमेंट्स रहते हैं, ये जो थोड़े छोटे छोटे पल रहते हैं, तो इसी को एंजॉय करने के लिए इतने सुबह उठ के हम लोग हॉलीडे के दिन भी निकलते हैं राइडर लोग। वेदर जो है हर बार, मतलब टच उड़ कि हर बार मैं जब भी राइड को अभी निकला हूँ, मार्शेज हो गया, दमन हो गया या अभी ये भंडारदारा हो गया, जब भी हम लोग निकले उस दिन वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब स्पेशली बारिश वाला वेदर नहीं रहता है, तो क्लाउड्स तो है वैसे काले काले, बट बारिश होगी ऐसे लग नहीं रहा है उनको देख के। सो वेदर और ठंडा थोड़ा बहुत, मतलब 20 डिग्री तक का फील हो रहा है, मतलब 20-22 डिग्री जब ठंडी में कैसे रहता है वो टाइप का फील हो रहा है। और राइड करने में, उसकी वजह से राइड करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो गाइज अभी कसारा से कुछ किलोमीटर पीछे रुके हम लोग, वॉशरूम ब्रेक वगैरह किसी को लेना रहेगा तो इसलिए रुके हैं, तो बाकी सब वहाँ पे खड़े हैं। अरे अच्छा हवा कमी है, कमी वाटते आया तो कमी वाटते ना। जस्ट ब्रेक खत्म हुआ और पता चला कि जो मेरा ब्रदर है अक्षय, उसके बाइक के रेयर टायर में हवा जो है कम है। तो गाइज लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हो ये जो माउंटेन है, ये लेफ्ट साइड में जो माउंटेन दिख रहा है आपको, तो अभी क्लाउड से जो पूरा कवर हो गया है क्लाउड से, तो ये माउली पोर्ट है। और यहाँ पे भी मैं राइड करके आया था और ट्रेकिंग की थी, राइड और ट्रेकिंग की थी माउली पोर्ट को। सो अभी तो पूरा क्लाउड से कवर हो गया है, तो बहुत ही अच्छा पोर्ट है। सो ऑलमोस्ट कसारा पहुंच गए हैं, पीछे बोर्ड था कसारा 1 किलोमीटर। और ये डाउन हिल देखो ना कैसे लग रहा है, मतलब अरे आपको दिख रहा रहेगा कैमरा में बराबर से, क्या ही ग्रीनरी है और सनलाइट जो है ग्रीन ग्रास के ऊपर गिर रही है और जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है आंखों को ना सुकून मिल रहा है एक तरीके का। यार लाइफ ये है यार, वो शहर में सीमेंट के जंगल में, शहर में वो लाइफ नहीं है ये। सो अभी जो है नाश्ते के लिए रुके हैं, सो एक जन यहाँ पे है इकड़े। अच्छा ओके, अभी जो है होटल स्टार हाईवे पे रुके हैं और मिसल का ऑर्डर किया मैंने, ये दोनों ने, तुम्हें क्या ऑर्डर किया? वड़ा पाव। वड़ा पाव, ये लोग ने वड़ा पाव ऑर्डर किया और बाकी लोग पूरा यहाँ पे थोड़े जन यहाँ पे बैठे। सो गाइज अपडेट, अभी जो है 225 किलोमीटर दिखा रहा है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक्चुअली 112 किलोमीटर मैंने पहले ही चला रखा था, मतलब 112 किलोमीटर घर से यहाँ तक चली है गाड़ी, जिसका एक पार्ट गिर गया था घाट का, मतलब सो ये जो पार्ट दिख रहा है वो साइड का, वो पहले रोड हुआ करता था, सो वो भी गिर के मतलब नीचे चला गया था,
सरकार का है ना, मतलब बोल ही नहीं सकते अभी उसको, वो चीज को एक साल एग्जैक्ट एक साल हो गया पर अभी तक वो प्रॉपर बनाया नहीं है। सो ये तो गाइस क्विक अपडेट, मुंबई नासिक हाईवे जो है वो एग्जिट कर लिया हम लोग ने, और घोटी वाला जो टर्न है अगर आप मैप पे देखोगे, घोटी का जो शिरडी जाने के लिए शॉर्टकट टर्न है वो वाला राइट हम लोग ने मार लिया है, नासिक हाईवे एग्जिट कर दिया। और अभी यहाँ से शायद आगे से हम लोग को और एक राइट मारना है, कौन सा तो वो जो लीड कर रहा है वो बंदा बता देगा। और सेकेंड थिंग, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो ये रोड का जमकर कंस्ट्रक्शन चालू था। सो अभी यहाँ से घोटी का जैसे ही टर्न मारते हो आप तो 2-3 किलोमीटर पे ही मतलब पहला राइट है। सो हम लोग का पहला राइट जो है वो स्कीप हो गया, सो हम लोग ने सेकेंड राइट मारा। सो ये गांव के जैसा रास्ता है, ऑफ रोड फुल ऑन मचाओ। ओहो ओहो ओहो। सो अभी 150 किलोमीटर हो गए, सो और कुछ 20 किलोमीटर बाकी है और आधा ग्रुप जो है पीछे रह गया। तो अभी जो है सीन हुआ, ये जो एवेंजर है सो इस पे से जो दो एक कपल था सो वो स्लिप हुआ, ये जो ग्रेवल दिख रही है इसके ऊपर से स्लिप हुआ। अभी सीन ऐसा है कि हम लोग को कैसे आदत हो गई है ऑफ रोड करने की, और रेगुलर राइडर है वो, क्या रेगुलर राइडर नहीं है एक्चुअली, सो इसलिए वो ग्रेवल पे संभाल नहीं पाया और स्लिप हो गए। सो ये जो राइड है तो यहाँ से करसुबाई ट्रेकिंग जो होती है, कसुबाई शिखर, सो उसका ये एंट्रेंस गेट है। तो भाई अभी शेंडी गांव में हम लोग हैं। सो मुझे लगा था कि भंडारदरा मतलब अभी 2 साल में एक्सप्लोर हुआ है, पर 2 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट देखोगे तो पूरा कमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट हो गया ये तो। मतलब पीछे होटल देखो क्या बनाया है, MTDC हॉलीडे रिसोर्ट। सो फाइनली पहुँच गए हम लोग। आपको थोड़ी देर में व्यू दिखाता हूँ, व्यू देखने के बाद मतलब आपको यहाँ पर आने का मन करेगा ही करेगा।